वापस आपके पास आएंगे। बड़ी खबर इसी बीच दे दें, आईएनएक्स मीडिया केस से जुड़ी बड़ी खबर, पी चिदंबरम को जमानत मिल गई है। आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम को जमानत कोर्ट की तरफ से दी गई है। आज कोर्ट में सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर होनी थी, इसमें आईएनएक्स मीडिया केस में राहत पी चिदंबरम को। आपको बता दें कि पहले ही सीबीआई की तरफ से जो जमानत है वो यहां पर दी गई थी, लेकिन अब स्थिति ये कि आईएनएक्स मीडिया केस में जो ईडी की तरफ से कहा गया था कि पी चिदंबरम केस को प्रभावित कर सकते हैं, ये दलील जो है वो कमजोर साबित होती हुई नजर आई है कोर्ट में, जहां पर कोर्ट ने राहत दी है पी चिदंबरम को। तो बड़ी खबर इस वक्त ही आईएनएक्स मीडिया केस से जुड़ी हुई, जहां पर राहत की खबर है पी चिदंबरम के लिए। पूर्व वित्त मंत्री जो जो लंबे वक्त से जो है कोर्ट में बंद, जो है इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहीं बता दें कि जमानत याचिका जो है वो कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। 17 अक्टूबर से ईडी की कस्टडी में है चिदंबरम, वहीं अब राहत की खबर, आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम को जमानत मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत यहां पर कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर से ईडी की गिरफ्त में थे पी चिदंबरम, और कोर्ट के सामने प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि यहां पर पी चिदंबरम को जमानत ना दी जाए, क्योंकि वो गवाहों को प्रभावित इस जो केस से जुड़े हुए हैं उन्हें कर सकते हैं। इससे पहले सीबीआई कोर्ट की तरफ से भी जो चिदंबरम को जमानत है वो दी गई थी, लेकिन उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने पी चिदंबरम पर अपना शिकंजा कसा था।